जिस समय मुझे अयोध्या के इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने आकर के निमंत्रण दिया, इस निमंत्रण ने मुझे जगदोल दिया। और जब मैं अयोध्या पहुंचा, जब मैं एक एक कदम चल रहा था, मैं यही मेरे मन में मंथन चल रहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इसलिए यहाँ जा रहा हूँ कि मैं भारत का एक नागरिक के नाते जा रहा हूँ। और मैं हमेशा फील करता था कि मैं वैसे 140 करोड़ देशवासियों की तरह मैं सामान्य भक्त के रूप में जा रहा हूँ, कोई मेरे आस पास कहीं पीएम मंडरा नहीं। पहले तो मैं अनुभव करता था 140 करोड़ देशवासियों का सपना पूरा हो रहा है। जैसे ही रामलला के सामने पहुंचा तो पहले मेरी नज़र उनके चरण पे गई और दूसरी मेरी नज़र उनकी आंखों पे गई और वहीं मैं अटक गया। और मैं पता नहीं ऐसा मेरे मन में जो विचार भाव प्रकट हुए वो ये थे कि रामलला जी मुझे कह रहे हैं कि अब स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है, भारत के दिन आ चुके हैं, भारत आगे बढ़ रहा है।